बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। इकोनॉमिक्स पोर्टल के साथ मैं रईस अहमद आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अभी कल पंजाब यूनिवर्सिटी का रिजल्ट अनाउंस हुआ है एमए इकोनॉमिक्स का, और इसके अलावा दूसरे बहुत सारे सब्जेक्ट्स का। जिनको अभी तक पता नहीं चला वो जाएं और जाके पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाके ये रिजल्ट अपना चेक कर लें। और एमए इकोनॉमिक्स का जो रिजल्ट आया, ये वीडियो खास तौर पर हमारे जो स्टूडेंट्स हैं इब्राहिम अकेडमी के, इकोनॉमिक्स पोर्टल अकेडमी के, जो साथ साथ लेक्चर्स फॉलो करते हैं, सुनते रहते हैं, और स्पेशली जिन्होंने हमारे ऑनलाइन सेशंस ज्वाइन किए हुए थे, इतना आउटस्टैंडिंग और एक्सेप्शनल रिजल्ट आया है, उन तमाम स्टूडेंट्स को बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक हो। और ख़ास तौर पर ये यहाँ पर मैंने कुछ बच्चों के नाम नोट किए हुए हैं, अभी मैं नाम लेके आप सभी को एक एक बच्चे को मुबारकबाद भी देता हूँ। आप लोग वाकई मुबारक के मुस्तहिक हैं। एमए इकोनॉमिक्स का रिजल्ट जो आम तौर पे इतना अच्छा नहीं आता, मार्क्स इतने अच्छे नहीं आते, और ख़ास तौर पे पंजाब यूनिवर्सिटी का जो वैसे मशहूर है कि प्राइवेट स्टूडेंट्स को इतनी जल्दी वो पास नहीं करती, बहाने ढूंढती है वो सप्ली लगाने के, फेल करने के। इस तमाम माहौल में रहते हुए आप सभी ने जो एफर्ट की है और इसका जो रिजल्ट निकला है, आप सब लोग दाद के मुस्तहिक हैं, और मुबारकबाद मैं आप सबको पेश करता हूं। बहुत बहुत मुबारक हो। मेरे पास कुछ बच्चे हैं जी, खास तौर पे सबसे पहले मैं मेंशन करता चलूं, एक हमारी बड़ी होनहार स्टूडेंट जैनब अहमद, 768 मार्क्स है इसके आउट ऑफ 1100, फर्स्ट डिवीजन तो है ही है, लेकिन मेरा ख्याल है मैंने इससे ज़्यादा भी मार्क्स इस सेशन में अभी तक मेरी नज़र से गुजरे नहीं है। तो जैनब बच्ची, आप फौरी तौर पे पंजाब यूनिवर्सिटी कॉल करें और उनसे पूछें हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं। मुझे लग रहा है कि आपकी कहीं पे फर्स्ट सेकेंड थर्ड पे कोई ना कोई पोजिशन आपकी लाइक कर रही होगी, तो इसको आप मेक श्योर करें, अल्लाह पाक आप लोगों के लिए आसानियाँ करें। तो जो भी इसका फिर फीडबैक होता है मुझे लाजमी बताओ। बहुत अच्छी बच्ची थी, आपके साथ बहुत अच्छा वो साथ रहा, पार्ट वन पार्ट टू बड़ा आपने अच्छा रिस्पांस दिया, साथ साथ आप क्लास की सबसे एक्टिव जो कुछ स्टूडेंट्स हैं उनमें से आप थी एक, वेल डन, गुड जॉब। इसके अलावा जो फर्स्ट डिवीजन जिन जिन स्टूडेंट्स ने ली है, जैनब अहमद के बाद आमना रहीम, बहुत कोऑपरेटिव स्टूडेंट थी और साथ साथ तमाम टेस्ट देती थी, वेरी लाइक बची थी, अल्लाह पाक इसके नसीब भी अच्छे करे और इसको आगे जाके मजीद कामयाब करे। गुजरांवाला से इसका ताल्लुक है, जैनब अटक से, आमना रहीम गुजरांवाला से, हफ्सा कमल फालिया से, इसकी भी फर्स्ट डिवीजन आई है, इसने भी बहुत अच्छी एफर्ट की है, शाबाश। मरियम मंजूर लाहौर से फर्स्ट डिवीजन, मकसूम अली जेहलम से, उर्दू मीडियम में रहते हुए इस बच्ची ने फर्स्ट डिवीजन ली है और 400 प्लस मार्क्स पार्ट टू में लिए हैं, एक्सेप्शनल, वेरी गुड, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। तानिया रजाक लाहौर से फर्स्ट डिवीजन है, इसकी भी बहुत अच्छी एफर्ट इसने की है, बड़ा कमाल का रिजल्ट आया। फातिमा लाहौर से इसकी भी फर्स्ट डिवीजन है, ये तमाम स्टूडेंट फर्स्ट डिवीजन वाले हैं। इसके बाद खजीमा मजहर गुजरात लाला मूसा से सेकंड डिवीजन है, शाबाश, आपके भी बहुत अच्छे मार्क्स हैं, आपने बहुत अच्छी एफर्ट की है। लैला भट्टी लाहौर से सेकंड डिवीजन, आपकी भी बहुत अच्छी एफर्ट है, शाबाश। उम्मे हबीबा गुजरात से, इसकी भी सेकंड डिवीजन, बहुत अच्छी एफर्ट की। फौजिया फजलदीन, फौजिया फजल, इसका ताल्लुक ये शरकपुर से है और ये शरकपुर मेरे ननियाल का गाँव भी है, तो इसको भी बड़ी बड़ी मुबारक हो, इसकी भी सेकंड डिवीजन आई है, क्लियर कर गई है ये अच्छे मार्क्स से। शाहरुख अनवर, फातिमा उस्मान तो ये भी सेकंड डिवीजन ले गई है, ये इसकी भी बड़ी है। ये देखिए बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो मैरिड हैं, उन्होंने अपने बच्चों को भी देखना है, फैमिली को भी देखना है, साथ साथ अपनी स्टडी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो ऐसे तमाम सिनेरियो में रहते हुए पंजाब यूनिवर्सिटी से फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन लेना ये मजाक नहीं है। तो फातिमा उस्मान वेल डन वंस अगेन। अनम जाहिद ये इसका भी ताल्लुक लाहौर से है, सेकंड डिवीजन में इसने भी मास्टर्स क्लियर कर लिया है, और अनम जाहिद केयर फाउंडेशन में जॉब भी करती है,
इस तरह से इसके साथ एक एफिलिएशन भी बनती है। ये दो स्टूडेंट ने ज्वाइन की थी एकेडमी, इसके साथ आमना फजल थी और वो बीच में उसने ड्रॉप कर दी थी, तो उसका रिजल्ट मुझे पता नहीं है। तो ये अनम क्लियर कर गई, आपको बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक हो। हिरा फातमा लाहौर से ये भी क्लियर कर गई हैं अच्छे मार्क्स से, सेकंड डिवीजन है, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। अक्सा इकबाल, अक्सा सुफियान, ये भी सेकंड डिवीजन में क्लियर कर गई हैं, आपको भी बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक हो। आमना कोसर, गुलाम रसूल, ये भी लाहौर से इनका ताल्लुक है, सेकंड डिवीजन में क्लियर कर लिए इन्होंने, आपको भी आमना बहुत बहुत मुबारक हो, शाबाश। सिदरा तुफैल लाहौर से, ये भी क्लियर कर गई हैं सेकंड डिवीजन में, आपको भी बहुत मुबारक हो। किरण तुफैल, ये भी लाहौर से सेकंड डिवीजन में क्लियर कर गई हैं, इनको भी बहुत बहुत मुबारक हो। इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे जिनके मैं यहाँ पे नाम मेंशन नहीं कर पाया, जिन्होंने मुझे रिजल्ट अपडेट नहीं किया, तो वो तमाम स्टूडेंट भी सुन रहे होंगे, उन सभी को भी एडवांस में मुबारक हो। आप सब लोग कमाल के लोग हैं, आगे भी आप लोग अपनी स्टडी और ग्रूमिंग को इसी तरह कंटिन्यू रखें, अल्लाह पाक आप सबको मज़ीद कामयाब करे। और अब बात करते हैं हमारी इब्राहिम एकेडमी की, इकोनॉमिक्स पोर्टल की टीम। मैं ये समझता हूँ कि उसका भी आप सभी को ये यहाँ तक पहुँचाने में बहुत ज़्यादा क्रेडिट है। ख़ास तौर पे मैं यहाँ पे कुछ टीचर्स के नाम मेंशन करता चलूँ, नवाज़ी शली साहब, इनका भी क्रेडिट जाता है, इन्होंने भी एफर्ट की है। मिस अक्सा आफरीन, आपने भी इन स्टूडेंट्स को टीच करवाया, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। इसके अलावा राबिया रियाज, इसने भी कुछ सब्जेक्ट के लिए स्टूडेंट्स को पढ़ाया, इसको भी मुबारक हो। ख़ास तौर पे मिस रुबीना, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो, आपकी एफर्ट है, आपकी एफर्ट की वजह से स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छे मार्क्स लिए हैं। खास तौर पे एडवांस मैथ में मैं देख रहा था, बड़े बड़े अच्छे उन्होंने मार्क्स लिए हुए हैं, डेवलपमेंट में भी अच्छे मार्क्स हैं। वेल डन, आप अपनी मेहनत इसी तरह जारी रखें और आगे जो अभी सरगोधा यूनिवर्सिटी का हमारा बैच निकलने वाला है उसमें भी रिजल्ट अल्लाह के घर उम्मीद है कि अच्छा निकले। बहरहाल उनको इतनी ज़्यादा तैयारी के लिए, प्रेपरेशन के लिए टाइम नहीं मिला, लेकिन फिर भी होप फॉर द बेस्ट कि रिजल्ट उनका निकल आएगा। ले जी, एक दफ़ा फिर आप सबको मुबारक हो। अब आखिर में मैं बताता चलूँ, जिन लोगों की सप्ली आई है या जो फेल एज अ होल हो गए हैं, उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो हमारे ऑनलाइन सेशन अभी नए स्टार्ट होने वाले हैं, सप्लीमेंट्री के भी और एनुअल के भी, उसको फौरी तौर पे ज्वाइन कर लें। बहुत बहुत उम्मीद है अल्लाह के घर के, इंशाल्लाह ताला आप भी निकल जाएंगे और अगले सेशन में आपका भी रिजल्ट इसी तरह ये बैकग्राउंड पे डिस्प्ले किया जा रहा होगा, जिस तरह अब इन स्टूडेंट्स का डिस्प्ले कर दिया है मैंने। तो वो परेशान ना हो, कोई ऐसी बात नहीं है, आप लोग भरपूर तैयारी के साथ इस दफ़ा अपने दोबारा एफर्ट करें और इन सब्जेक्ट्स जिनमें सप्ली लगी है उनके आप ये देख लें, सप्लीमेंट्री में देने हैं, 40 दिनों के बाद इनके पेपर हैं और सप्लीमेंट्री के एडमिशन पार्ट वन के तो ओपन हो गए हुए हैं, पार्ट टू के भी ओपन हो जाएंगे। 40 दिनों का आपके पास टाइम होता है, 40 दिनों के बाद आपने फिर सप्लीमेंट्री के पेपर देने होते हैं। जिन्होंने एनुअल में जाना है वो लोग माइंड में रखें, जून में आपके पेपर होंगे, बेशक पार्ट वन है बेशक पार्ट टू है, जून में आपके पेपर एक्सपेक्टेड हैं। उसका भी एनुअल का भी हमारा पार्ट वन पार्ट टू दोनों का सेशन स्टार्ट हो रहा है, उसे ज्वाइन करना है तो उसे ज्वाइन कर लें। व्हाट्सएप नंबर आपको नज़र आ रहा है, वीडियो को तमाम दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि बाकी लोगों को भी इस बात का पता चल जाए कि हमारे सेशन स्टार्ट हो रहे हैं, वो भी कंटिन्यू करना चाहें तो वो इसमें पार्टिसिपेट कर लें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।